volume 2 channel of Jnanamukhi Monitoring System. Today we are going to start chapter number 1 health hazards and diseases. Okay student, so first of all we will do hard work of this lesson. Page number 165 and 166. Okay student, so let's start hard work. This infectant, this in FECT.
Next, malaria. M-A-L-A-R-I-A, malaria. Next is export. Next, is asthma. A-S-P-H-M-E. Asthma. Next, breathing problem. Breathing problem. Breathing problems. Next, regularly. R-E-G-U-L-A-R-N-Y. Regularly. Next, foils. P-O. Next, P-O. I-S, poisonous. S-P-O-I-S-O-N-O-U-S. Different. Now let's write again. Hard words. C-O-N-T-A-M-I-N-A-T-E-D. Contaminated. Okay, next is E-P-I-D-E-M-I-C, epidemic. Epidemic means hota hai, epidemic mein mahamari. Okay, next, L-O-S-S, loss, O-F, of, A-P-A-T-I-T-E, appetite, matlab bhook ka kam ho jana, loss of appetite. Okay, next, V is double C A, vaccine, N-A-T-I-O-N-A-T-I-O-N, vaccination. Okay, जो कि अभी हमने कोरोना के टाइम में क्या हो रही है, अभी तैयार हो रही है वैक्सीनेशन. वो तो वैक्सीनेशन ही होता है टीकाकरण, ठीक, इंजेक्शन एक टाइप का. ओके, नेक्स्ट प्रिवेंटिव, पी आर ई वी ई ए टी ई डी, प्रिवेंटिव. नेक्स्ट अवेलेबल, ए सी ए आई एल ए टी एन ई, अवेलेबल. नेक्स्ट रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई डी, रिक्वायर्ड. नेक्स्ट जी एल यू सी ओ एस ई, ग्लूकोज, डी आर आई पी, ड्रिप, ड्रिप, ग्लूकोज ड्रिप. नेक्स्ट ए एल टी आर ई, अल्ट्रा, वी आई ओ एल ई टी, अल्ट्रा वायलेट. अल्ट्रा वायलेट मीन्स होती है जो सूर्य के द्वारा रेज निकलती है और वो हमारे प्यूरिफाई करती है वाटर को. कौन? अल्ट्रा वायलेट रेज. अल्ट्रा वायलेट हमारी जो रेज होती है, रेज होनी होती है यहाँ पर रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज. ओके, नेक्स्ट स्टैग्नेंट, एस टी ए जी एन ए एन टी, स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट मीन्स होता है पानी का रुकना एक जगह पर. ओके, अस्थिर. नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड, आई एन ए सी सी इंसेक्ट, टी आई सी आई डी ई, इनसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाई, कीटों को मारने वाली, जर्म्स को मारने वाली मेडिसिन. नेक्स्ट दिस, दिस इनफेक्टिड. ओके, डी आई एन दिस, आई एन इन, एफ इज इनफेक्ट, टी ए एन डी, दिस इनफेक्टेड. नेक्स्ट डी ई एन जी यू ई, डेंग्यू. डेंग्यू किससे होता है? एयर पॉल्यूशन.
आवाज़ है. नेक्स्ट चेकर दुनिया C H I K U N चेकर चेकर G U N Y ने चेकर दुनिया. ओके नेक्स्ट स्प्रेड बाय मॉस्किटो. नेक्स्ट मलेरिया M A L A R I A मलेरिया. नेक्स्ट एक्सपो E S P O S A D एक्सपो. अस्थमा A S T H M A अस्थमा. नेक्स्ट B R E A T H I N ब्रीथिंग B R O B L E A M ब्रीथिंग प्रॉब्लम. रेगुलर R E G U L A R N Y रेगुलर. नेक्स्ट पोइनस P O I S P O I S ओके P O I S O N O U S O N O U S पोइनस. पोइनस किसका होता है जहर. ओके नोट डाउन स्टूडेंट. Note down. Yes. Today we will discuss about of this lesson. We will understand typhoid symptoms of typhoid. In previous video, you have learned about communication disease, spread by communication disease, waterborne disease. Waterborne disease, cholera symptoms of cholera and joint and dehydration. Yes. So today we will start typhoid. ओके टाइफाइड क्या है. टाइफाइड इज अनदर कंटाजियस डिजीज. टाइफाइड एक दूसरी डिजीज है, कंटाजियस डिजीज है जो किसके द्वारा अनहाइजीनिक कंडीशन के द्वारा स्प्रेड होती है. जब गंदा होगा आपका राउंडिंग हमारे चारों ओर बहुत ही गंदगी होगी और इसके थ्रू हमारे को का हमारा फूड जो होता है एंड वाटर वो कैसा हो जाता है कंटामिनेटेड हो जाता है और इस कारण से ये डिजीज क्या होती है हम लोगों के अंदर हमारी बॉडी के अंदर फैल जाती है. ओके क्योंकि कंटामिनेटेड हम फूड लेते हैं. फूड लेने से और अनहाइजीनिक कंडीशन होने के कारण ये डिजीज स्प्रेड होती है. द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड आर हाई फीवर एंड डायरिया. ओके द फीवर में भी डियर फोर 10 एंड 15 डेज. यस टाइफाइड होने पर हमारे को 10-15 दिन तक क्या होता है हाई फीवर रहता है. रिकवर टेक 3 और 4 वीक्स. यह रिकवर होने में टाइम लेता है कम से कम कितना टाइम लेता है 3 वीक या 4 वीक. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस ए इज अनदर डिजीज दैट अफेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्पेशली द लीवर. ओके ये दूसरी डिजीज क्या है हेपेटाइटिस ए जिसका अफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पड़ता है. इसका प्रभाव किसका पड़ता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर स्पेशली किस पर होता है लीवर पर. ओके वायरस स्प्रेड व्हेन फूड और वाटर इज कंटामिनेटेड बाय सीवेज. वायरस जब फैलता है जब सीवेज के द्वारा कंटामिनेटेड हमारा जो फूड और वाटर कैसा हो जाता है कंटामिनेटेड हो जाता है. Contaminated means दूषित हो जाता है. ओके इट कैन अकर एन एपिडेमिक फॉर्म. ओके विद मेनी पीपल फॉलिंग सिक जब बहुत सारे पीपल जो है क्या हो जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं तो एक क्या होती है यह जो है महामारी एपिडेमिक मीन्स महामारी का रूप ले सकता है. बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं बीमार पड़ जाते हैं तो ये महामारी का रूप ले सकता है. कौन हेपेटाइटिस ए. नेक्स्ट फीवर बॉडी एक वीकनेस नोसिया
and loss of appetite and tenderness of liver are some of symptoms of hepatitis A. ये सभी symptoms क्या हैं? क्या क्या है hepatitis symptoms? भूख नहीं लगना, भूख का कम हो जाना एंड लीवर का वीक हो जाना. नेक्स्ट हमारा बॉडी एक पूरी बॉडी में पेन होना और हाई फीवर होना. ओके अनदर सिम्टम्स इज जॉन्डिस. अनदर सिम्टम्स क्या है? अनदर सिम्टम्स इज जॉन्डिस और एलो कलरिंग ऑफ आई. आईज का पीला होना उसे जॉन्डिस. पेशेंट शुड अवॉइड. जब पेशेंट क्या होता है? बीमार होता है पेशेंट. मरीज को नहीं चाहिए क्या लेना? सबसे हम बचना चाहिए. किससे बचना चाहिए? एक्सरसाइज. उस समय से एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. पेशेंट जब बीमार होता है उस समय से एक्सरसाइज अवॉइड कर देना चाहिए. हैव बेड रेस्ट और उसे आराम करना चाहिए. बेड रेस्ट लेना चाहिए एंड हैव अ लाइट फ्री फैट फ्री डाइट. और उसे क्या करना चाहिए? हल्का बसा है फैट जिसके अंदर जरा फैट नहीं हो ऐसा भोजन लेना चाहिए. ओके कौन सा भोजन? जैसे कि खिचड़ी. ओके ऑल दीज एंड फ्रूट्स ऑल दीज वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशंस. सभी ये सभी वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन से होती है? वाटर बॉर्न डिजीज कॉलेरा डायरिया टाइफॉइड गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड हेपेटाइटिस ए एंड जॉन्डिस. ये सभी बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? तो ऑल डिजीज वाटर ऑल दीज वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशंस. वैक्सीनेशन के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं. दिस इज रिक्वायर्ड स्पेशली. इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऐसे लोगों को पड़ती है पुअर पीपल हु ट्रैवल टू प्लेस वेयर क्लीन फूड एंड वाटर आर नॉट इजीली अवेलेबल. जहाँ पर वाटर और फूड जो होता है वो सरलता से इजीली अवेलेबल नहीं होता है. कैसा? क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड. ओके दिस ऑल मोर नेसेसरी ड्यूरिंग द रेनी सीजन. केवल यह सब बरसात के मौसम में अधिक आवश्यकता पड़ती है. ओके टर्न ओवर पेज स्टूडेंट. व्हाट वैक्सीनेशन ऑल रूल्स ऑफ द गुड हेल्थ एंड हाइजीन हैव टू बी ऑब्जर्व वेयर फूड एंड ड्रिंक आर कंसर्न. 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. सेम हमारी बॉडी जो है किससे बनी हुई है? 70% ऑफ वाटर हमारी बॉडी के अंदर है. सो द वाटर वी ड्रिंक अफेक्ट द बॉडी. इसलिए पानी का अफेक्ट सबसे अधिक पड़ता है हमारी बॉडी पर. मिक्स योग इसलिए हमें जरूर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन हमें हमेशा कैसा लेना चाहिए? ड्रिंक वाटर क्लीन वाटर लेना चाहिए पीना चाहिए. ओके बॉइल और फिल्टर वाटर हमें फिल्टर करके और बॉइल करके ही पानी पीना चाहिए. वाटर फिल्टर यूज कैंडल्स और अल्ट्रावायलेट रेज टू प्यूरिफाई वाटर. अभी मैंने बोला था ना यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज तो अल्ट्रावायलेट रेज उन्होंने कहा है कि हम वाटर को फिल्टर करने में कैंडल का भी यूज करते हैं. कैंडल से आता है उसका भी यूज कर सकते हैं. अल्ट्रावायलेट जो और या फिर अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा भी वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो मतलब इंसेक्ट के थ्रू भी हमारे को क्या होती है? डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है जैसे हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटो. ओके तो मलेरिया इज डिजीज दैट डज नॉट स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड वाटर डायरेक्टली. उन्होंने क्या कहा है कि मलेरिया जो डिजीज है वो डायरेक्ट हमारे को पानी के द्वारा ही जो पॉल्यूटेड वाटर है उसके द्वारा डायरेक्ट नहीं होती है. ये क्या होती है? व्हाट फ्रॉम द बाइट ऑफ काइंड ऑफ मॉस्किटो. एक प्रकार का मॉस्किटो है. कौन सा मॉस्किटो है? वो है फीमेल एनोफ्लीज. फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है वो हमको जब काटता है उससे हमारे अंदर शरीर के अंदर मलेरिया होता हो जाता है. ओके सो फ्रॉम द बाइट ऑफ काइंड ऑफ काइंड एक प्रकार मतलब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो मॉस्किटो ब्रीड और रे इट्स एग इन स्टैग्नेंट डर्टी वाटर. ये सभी मॉस्किटो कहाँ ब्रीड होते हैं? कहाँ उत्पन्न होते हैं? जहाँ रुका हुआ पानी रुके हुए पानी में ये अपने एग को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं.
और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में मॉस्किटो ब्रीड हो जाते हैं. ओके, सो इफ यू अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट नियर योर होम और स्कूल, स्टूडेंट रिमेम्बर इट, यदि तुम किसी भी कहीं भी कोई भी डर्टी वाटर को कलेक्ट अपने आजू बाजू होम के या घर स्कूल के आजू बाजू कलेक्ट वाटर नहीं होने देना चाहिए. ओके, यू आर इनवाइटिंग मॉस्किटो एंड मलेरिया, नहीं तो सोचना कि आप मॉस्किटो को और उसके डिजीज मलेरिया को क्या कर रहे हो, वेलकम इनवाइट आमंत्रित कर रहे हो, यानी क्योंकि ये सबसे अधिक जो है मच्छर हमारे कहाँ होते हैं, रुके हुए पानी में ही ब्रीड होते हैं. ओके, क्योंकि वो बहुत ही गंदा पानी हो जाता है. गेट द वॉटर ड्रेन स्प्रे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ हमारी ड्रेन होती है वहां पर इंसेक्टिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, कीटाणुओं को मारने वाली मेडिसिन को क्या करना चाहिए, यू स्प्रे करना चाहिए ऑन द वॉटर इफ इट इज स्टिकिया. ओके, जब तक ये क्या हो गया, यदि अदर डिजीज स्प्रेड और दूसरी डिजीज भी स्प्रेड होती है मॉस्किटो के द्वारा, आर डेंगू एंड चिकनगुनिया, दो ये डिजीज भी हमारी मॉस्किटो के काटने पर स्प्रेड होती है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू, नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर वाटर बॉर्न डिजीज एंड कॉलेरा सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा, सिम्टम्स कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज. ओके स्टूडेंट, तो प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन इन योर नोट. Contaminated. Water. Water. Air or water quality. Waterborne diseases are
A. Okay, students. Next. First, cholera. Symptoms of cholera. Symptoms. Symptoms of cholera. Diarrhea, vomiting, vomiting, stomach pain, and dehydration. Dehydration. Symptoms में लक्षण कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमको डीवी कॉलेरा है. ओके, तो symptoms of cholera are diarrhea, vomiting, stomach pain and dehydration. Dehydration के टाइम क्या होता है? Dehydration के टाइम में loss of water, पानी की कमी आ जाती है, जिससे कि पेशेंट को फुड भी गिवन होकर पूरा डिहाइड्रेशन चाहिए. ओके, ये पड़ता है प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन. राइट, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए डिहाइड्रेशन से हमको क्या करना पड़ता है? ओआरटी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओआरटी. ओके, तो ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी. नेक्स्ट टाइप है नोट डाउन स्टूडेंट. Student, have you written students? Today's homework is today's homework. Note down student homework. Homework. Write hard word. Write hard word. Lesson 1. Page number 166 and 65 and 66. Okay, page number 166 and 65. 5 and 166. And learn. And learn it. And learn it. Learn it. Okay. Now, thank you. Have a nice day, student.